आहार हमारे जीवन का आधार है। दर्शकों, ये आहार ही है जो हमें बीमारी और सेहत दोनों तक पहुंचा सकता है। हमारे आहार का पौष्टिक होना बहुत ज़रूरी है यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बरकरार रहे। आज के इस आधुनिक दुनिया में जहां पूरा विश्व एक परिवार सा नज़र आता है, उसमें देश जहान की सारी खाने पीने की चीज़ें हर गली मोहल्ले तक सहज सुलभ उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन अफसोस है कि अगर उसमें पौष्टिकता की बात की जाए तो ऐसा लगता है पौष्टिकता जैसे गायब ही हो चुकी है। पौष्टिक आहार क्या होता है, कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं और पौष्टिक आहार के बिना हमारा खान पान अधूरा होकर हमें किस तरह की समस्याएं दे सकता है, यही सब कुछ आज जानेंगे। और इसके लिए विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ मौजूद हैं आहार के तकनीकी विषयों की विशेषज्ञ और PhD की छात्रा तन्वी बंसल, और साथ ही साथ हैं पाक कला विशेषज्ञ श्रीमती तरुणा ठांडा जी। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है। और तरुणा जी, आपसे ही आज की बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं और जानते हैं कि पौष्टिक आहार होता क्या है। रश्मि, पौष्टिक आहार असल में बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है हमारे शरीर को, और इसमें बैलेंस होता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम और फैट्स का, इन सभी तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता रहती है, और इसकी कमी से शरीर बीमारियों का शिकार हो जाता है और कुपोषण का शिकार हो जाता है, और कुपोषण से बीमारी होती है और बीमारी से कुपोषण, इसी तरह ये एक चक्रव्यूह सा बन जाता है। इसलिए हमारे शरीर को पूरे सभी तत्वों की आवश्यकता रहती है जो कि हमारे रोज़ के खान पान में मौजूद रहने चाहिए। तन्वी, क्योंकि आप इस विषय की तकनीकी जानकार हैं, तो आप क्या पाती हैं कि आपके हिसाब से तकनीकी रूप से पौष्टिक आहार क्या होता है? जैसे कि मैम ने बताया, एकदम सही कह रही हैं, ये किसी भी आहार को अगर हम पौष्टिक आहार कह रहे हैं तो उसमें हर न्यूट्रिएंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ज़्यादातर बात इन्होंने बता ही दी है, कार्बोहाइड्रेट सही अमाउंट में हो ये ज़रूरी है, प्रोटीन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स हों, फाइबर है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। हर न्यूट्रिएंट का अपना अपना एक रोल है बॉडी में, तो सब चीज़ों का सही अमाउंट में होना काफ़ी ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, फैट्स भी मेन सोर्स रहता है एनर्जी का, बट ये दोनों न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनका सही अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। यदि ज़्यादा होंगे तो हम मोटापे का शिकार हो सकते हैं, और कम होगा तो एनर्जी बैलेंस बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है, बिल्डिंग ब्लॉक है एक तरीके से, हर चीज़ को मेंटेन करने में रिपेयर का उसका काफ़ी रोल रहता है। विटामिन और मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, रेगुलेशन है बॉडी का, जैसे कि बताया इन्होंने कि बीमारियों से बचाव, यदि हम सही खाना खाएंगे तो हम बीमारियों से बच भी सकते हैं और सही भी रह सकते हैं। बिल्कुल जी। तो तरुणा जी, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं पौष्टिक आहार क्या होता है, अगर हम आज से कुछ बीते बरसों की बात करें, जब दादी नानी के ज़माने उनकी रसोई की बात होती थी तो लगता था कि पौष्टिक आहार अपने आप में उनके खाने में रहता ही था, इस तरह की चर्चाओं की और जानकारी की ज़रूरत नहीं रहती थी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी परंपरागत खाना कहीं ना कहीं पौष्टिकता से भरपूर रहा है। आप क्या मानती हैं? रश्मि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पुराने ज़माने में पौष्टिक आहार ही होता था, लेकिन लोगों के रहन सहन में भी बहुत बदलाव आया है। जैसे कि लोग गांव से शहर की तरफ आए हैं और शहर में भी काम करने के तरीके बहुत अलग हो गए, और महिलाएं भी अपने काम पे चली जाती हैं, ऑफिसेज में जाती हैं। पुराने ज़माने में महिलाएं घर पे रहती थी और वो परिवार की देखभाल करती थी, तो उनका जो काम था भारी काम होता था, लाइक चक्की चलाना उनका काम, कपड़े धोना, पशुओं की देखभाल करना, बड़े बुज़ुर्ग की घर की साफ़ सफाई करना। तो आज अगर हम देखते हैं तो ये काम बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, और ज़्यादातर अर्बनाइजेशन हो गया तो महिलाएं जो हैं ऑफिसेज में काम करने लगी, तो उनको आहार में बहुत फ़र्क आ गया। ऐसा जो जिन कामों के लिए शक्ति लगती थी उसमें, जैसे अगर हम बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स लेते थे तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेती थी और वो एनर्जी के रूप में आ जाते थे, परंतु अभी अगर हम उन चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं तो मोटापे का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। तो किस तरह से खाने को बैलेंस करके चला जाए, और इस बारे में हम सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और हर उम्र में अलग अलग तरह की कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं, अलग अलग कैलोरीज हमें चाहिए, बचपन में कुछ और चाहिए, फिर यंग एज में और चाहिए, फिर मिडिल एज में और चाहिए, फिर बुढ़ापे में और तरह की कमियाँ शरीर के अंदर आ जाती हैं, कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, फैट कम एब्जॉर्ब होता है शरीर को, कम चाहिए, तो उसी तरह का आहार लेना हमें ज़रूरी है और उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। बिल्कुल। तो पुराने ज़माने की आप बात कर रही हैं और आज के ज़माने की बात कर रही हैं, तो आहार में भी बहुत फ़र्क है। बिल्कुल।
अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, तो लोगों को बाहर विदेशी खानों की बहुत जानकारी हो गई। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं कि देसी खाना नहीं सीखना है, बाहर के जो इटली का खाना, मैक्सिको का खाना और चाइनीज़ खाना, इस तरह के खाने जो हैं बहुत पॉपुलर हो गए हैं, पार्टीज़ में भी वही चलते हैं। बिल्कुल। और हमारी यंग जनरेशन तो इस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी है, वो खाना घर में जो माँ बना रही है उसको नहीं खा रहे हैं, वो खा रहे हैं मोमोज खा रहे हैं और चीज़ चिली खा रहे हैं, इस तरह का मतलब व्यंजन ज़्यादा खाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम इसके अंदर क्या ले रहे हैं, हमारे शरीर को इसकी क्या ज़रूरत, क्या असर पड़ेगा शरीर के अंदर। तो नतीजा क्या हो रहा है कि पौष्टिकता तो लुप्त हो रही है कहीं, और बाहर के जो व्यंजन हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, फैट दे रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा, हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा दे रहे हैं। तो शरीर में जो प्रोटीन और उनका बैलेंस होना चाहिए वो कहीं लुप्त हो गया, और तो इसी मतलब वजह से ओबेसिटी आ रही, बच्चों में भी बहुत ओबेसिटी। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को पहले एहसास करना होगा कि हम जो व्यंजन खा रहे हैं चाहे वो हमें कितना आकर्षित कर रहा है, उसमें स्वाद ना हो, सेहत भी जरूर शामिल रहे, स्वाद और सेहत दोनों शामिल रहे। तो तन्वी, जैसा कि अभी तरुणा जी ने बताया कि उम्र के हर दौर में जो पौष्टिकता की परिभाषा है वो बदल जाती है आहार के संदर्भ में, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पौष्टिक आहार क्या सभी लोगों के लिए एक जैसा हो सकता है या ये अलग अलग लोगों, अलग अलग उम्र में अलग अलग रहता है? जी, कुछ एक आहार ऐसे हैं जो सभी एज में हम ले सकते हैं, पर नहीं, ज़रूरत सभी उम्र के हिसाब से अलग अलग हमारी होती है, एक जैसी रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती हैं बॉडी की। अगर हम एक नवजात शिशु की बात करते हैं तो पैदा होते ही बच्चे के लिए केवल माँ का दूध ही काफ़ी है। कोलेस्ट्रॉल के लिए आजकल काफ़ी एडवर्टीजमेंट वगैरह आ रही हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि लोगों तक हमें जानकारी पहुंचा सके कि 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध ही बच्चे के लिए काफ़ी होता है। और कोलेस्ट्रॉल की जहाँ तक हम बात करते हैं, वो पहली इम्यूनाइजेशन बच्चे के लिए मानी जाती है। बच्चे को जन्म देते ही, जैसे ही माँ होश में आए या जैसे ही पॉसिबल हो, विद इन 2-3 आवर्स कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका सेवन बच्चे को ज़रूर करवाएँ। 2-3 दिन तक वो जो दूध है वो आने वाली उम्र में बच्चे को हर बीमारी से बचा सकता है, और जो एंटीबॉडीज़ हैं उसमें या जो न्यूट्रिएंट्स, जो क्वालिटी की हम आजकल बात करते हैं, क्वांटिटी की बात नहीं होती एक बच्चे की, अगर हम डाइट की बात करते हैं तो क्वालिटी की बात होती है, और वो क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फेड मिल्क से ही एक बच्चे को मिल सकते हैं। तब छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध संपूर्ण पौष्टिक आहार है। जी बिल्कुल, 6 महीने तक संपूर्ण पौष्टिक आहार है एक बच्चे के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे 7वें महीने में ऐसा सजेस्ट किया जाता है जनरली कि धीरे धीरे और चीज़ें भी बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर दी जाएं, पर 2 महीने तक माँ का दूध ज़रूर बच्चे को पिलाना चाहिए, उससे पहले नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर किसी वजह से अगर वो चीज़ हम बच्चे से दूर हो रही है या फिर उसे नहीं दे पा रहे, तो उसे बैलेंस करने के लिए खाने में और चीज़ें अच्छे से इंक्लूड करनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम स्कूल गोइंग किड्स की बात करते हैं, उन वो एज है जिस टाइम बच्चों का फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट एकदम पीक पर होता है, तो उसे मेंटेन करके रखने के लिए भी अच्छी डाइट देना बच्चों को ज़रूरी है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, प्रोटीन की भी रहती है, और इस एज में हम एनर्जी रिच फूड सबसे ज़्यादा ले सकते हैं। बच्चों को फैट के लिए ये कंट्रोल करना है या फिर वेट मैनेजमेंट की, जो ज़्यादातर यंग लोगों में आजकल रहती है दिक्कत, क्योंकि लाइफस्टाइल सबका ऐसा हो चुका है कि ज़्यादा वर्कआउट कोई नहीं करता है, तो बच्चों के साथ वो टेंशन वाली बात नहीं है। पर हाँ, एक ये मिथ ज़रूर यंग एज में आजकल रहता है कि फ़ैट रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए हमें डाइट में। फ़ैट हमें कम लेना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे अपनी डाइट से बिल्कुल ही निकाल दें। कुछ एक विटामिन ऐसे हैं जो कि फ़ैट में ही मिलते हैं, फ़ैट से ही घुलते हैं शरीर में, यदि हम वो ले भी रहे हैं डाइट में तो वो हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होंगे यदि हम सही अमाउंट में फ़ैट नहीं लेते हैं तो। और बुढ़ापे की जहाँ तक बात है, बुढ़ापे में वर्कआउट क्योंकि कम हो जाता है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर कम होती हैं, पर बाकी सब रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें, स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ रहा है या और कुछ और दिक्कत आ रही है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स उस टाइम अगर हम लेंगे तो बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उससे हम बच सकते हैं। कैल्शियम, क्योंकि बॉडी में जो नॉर्मल जो हमारे स्टोर्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, तो उसको मेंटेन करके रखने के लिए हमें और कैल्शियम लेना चाहिए। तो यहाँ पे तन्वी, आप बताएंगे कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके खाने में क्या क्या शामिल होना चाहिए? तब फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, किस रूप में वो ले सकते हैं? दूध का बच्चों को शौक रहता है जनरली, दूध है, दही है, पनीर है, ये सब चीज़ें हम कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए बच्चों की उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। स्मूदीज इंक्लूड कर सकते हैं हम, जो कि दही के, योगर्ट के फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है,
सोयाबीन से बना हुआ पनीर, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, हम वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्या है कि मल्टीग्रेन चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं इस सीज़न में, तो बाजरा काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है, बाजरे की चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं उनकी डाइट में। सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को लंच में सही चीज़ दी जाए, क्योंकि उससे क्या है कि स्कूल टाइम में उनका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और पढ़ाई में भी सही ध्यान रहता है बिल्कुल, यदि वो खाना ढंग से खा लेते हैं। तो रणा जी, जैसा अभी तन्वी बता रही हैं कि बच्चों के आहार में दूध, पनीर, सोयाबीन ऐसी चीज़ें और हरी पत्तेदार सब्जियां, फल पर्याप्त मात्रा में शामिल होने चाहिए, लेकिन अगर अपने आसपास हम बच्चों पर नज़र डालें तो वो इन सब से दूरी बना के रखना चाहते हैं और वो दोस्ती करना चाहते हैं आहार के मामले में, जो भी फास्ट फूड है या चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया। और ऐसे में जो हमारी बहनें हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है, पता है कि बच्चे के लिए आहार सही नहीं है लेकिन बच्चा सही चीज़ खा नहीं रहा। तो एक पाक कला विशेषज्ञ के रूप में आप हमारी बहनों को क्या सलाह देंगी कि वो बच्चों के खाने में इन चीज़ों को किस रूप में शामिल कर सकती हैं? हाँ, मैं अपनी बहनों को, बेटियों को ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो उन्हें आहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि तन्वी ने बताया कि बच्चों को क्या क्या देना है, प्रोटीन ज़्यादा देना है तो उसको उसी फॉर्म में, लाइक जो ट्रेडिशनल फॉर्म में देने की कोशिश ना करें। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता, आप उसके पीछे पड़ी रहती हैं कि दूध पी, उसको किसी और फॉर्म में भी आप दे सकते हो। जैसा कि तन्वी ने बोला कि स्मूदीज़ बना के दे दीजिए उसको, अच्छे से अगर डेकोरेट करके हम देते हैं, बच्चे को सजा के उस चीज़ को देते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, बजाय उसके कि उसको सिंपल फॉर्म में दे दिया जाए। या फिर उसको अगर विदेशी खाने पसंद हैं तो उसको अपने इंडियन जो यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको उसमें मिला के दिया जा सकता है। रोटी को मल्टीग्रेन बना के दे दिया जाए, उसके अंदर पालक, मेथी, हरी सब्जियाँ डाल के बना के दे दीजिए। और अगर उसको बर्गर वगैरह ज़्यादा पसंद है तो आटे की ब्रेड बनाइए, खुद बनाइए, बनाना सीखिए। और उसके अंदर टिक्की भी जो डालनी है वो फिर राजमा या चने की, पनीर की, इस तरह की टिक्की डाल के दे सकती हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ अभी इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं फूड की चेकिंग के ऊपर, तो बच्चों को बाहर रेड़ियाँ इत्यादि से इस तरह के खाने खुले ना खाने दिए जाएं, क्योंकि वो कम पैसा में चीज़ देते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उसकी जो जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सॉसेज उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोकल या घटिया किस्म की ले लेते हैं, जो कि गुणवत्ता का ध्यान नहीं रहता। तो हमारी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो कोशिश करें कि सॉसेस भी घर पे बनाइए, बहुत आसान है बनाना, सिर्फ उनको सीखना है आपको कि किस तरह से बनाना है। तो जो चीज़ें हमारे बच्चों को विदेशी भी पसंद है उसमें हमारे इंडियन फूड को डालिए, अपने जो प्रोटीन रिच, आप देखिए कि प्रोटीन किस किस में है, थोड़े से उसमें चेंजेस लाइए, फ्यूजन ला के और अच्छे से सजा के बच्चे को दीजिए तो ज़रूर खाते हैं। और दूसरा, बच्चे के जो टिफ़िन आप दे रही हैं तो एक हफ्ता अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको रिपीट ना कीजिए खाने को, रोज़ अलग अलग उसका टिफ़िन सजा के दीजिए, अलग अलग तरह के खाने दीजिए। किसी दिन फल से कोई चीज़ बना दी, किसी दिन अंकुरित खाना दे दिया, किसी दिन अगर उसको पास्ता पसंद है तो पास्ता के अंदर भी आप सब्जियां अलग अलग तरह की डाल सकती हैं। और आजकल तो सूजी का पास्ता बन रहा है, मैदे का पास्ता अगर बच्चे को आपको नहीं देना तो इस तरह से चेंजेस लाइए रेसिपीज के अंदर और आप इस तरह से पौष्टिक खाना बच्चे को दे सकते। बिल्कुल सही, अभी आपने कहा कि चटनी बना सकते हैं, बर्गर की जगह आलू की टिक्की बन सकती है, तो कहीं ना कहीं हमारे परंपरागत तौर पर जो खाना बनता है, चटनी और सॉसेस तो हमारे हिंदुस्तानी खाने का हिस्सा ही रहे हैं और बहुत सी बहनें जानती भी हैं इसको, मतलब हमें एहसास है लेकिन उसको हमें अपनाना होगा। जी, खरीदते टाइम भी अगर हम सही चॉइसेस से सामान सही खरीदते हैं तो भी क्योंकि हर कोई आजकल अगर जॉब के लिए बाहर जा रहा है तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है घर पे हर चीज़ बनाना, सीखने के बाद भी चाहते हुए भी टाइम की कमी की वजह से कभी कभार ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल अवेयरनेस काफ़ी हो रही है हेल्दी फूड डाइटिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मार्केट में भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हेल्दी हैं, बहुत प्रोडक्ट्स हैं आज के टाइम में, मल्टीग्रेन प्रोडक्ट बहुत कुछ आ रहे हैं और हर किसी पे अच्छे से लेबलिंग भी होती है। बिल्कुल, यदि हम अवेयर हैं तो हम पढ़कर और सही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो तन्वी, जैसा भी आपने बच्चों के बारे में बहुत विस्तार से बताया, जो हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो उम्र के अलग अलग दौर में अपनी सेहत के साथ अलग अलग समस्याओं से जूझती हैं, महिलाओं के बच्चियों के खाने में किन पौष्टिक तत्वों का होना बेहद ज़रूरी है जिससे उनकी सेहत ठीक रहे? जी, एडोलेसेंट एज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है थ्रू आउट लाइफ। उस टाइम अगर सही न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, जैसे कि वो चाइल्ड बेयरिंग एज है, आगे जाकर कोई गर्भवती होगा और चीज़ें टेंशन्स होंगी लाइफ में, सब चीज़ों के लिए अगर हम उस टाइम सही न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो वो आगे तक उस चीज़ का असर हमें दिखाई देता है।
उस टाइम यदि अगर किसी चीज़ की कमी रहेगी तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। यदि अगर हम खुद इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो अगर एक महिला को अगर हम इस चीज़ के लिए एजुकेट कर रहे हैं तो वो आगे जाकर अपने परिवार का भी उसी तरीके से ध्यान रख सकती है। तो आयरन है, आयरन की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है, अनीमिया जो है, पर ज़रूरी नहीं है कि अनीमिया एक बंदे को आयरन की कमी से हो। एक दूसरा पहलू इसका ये भी है कि कभी कभार फॉलिक एसिड की कमी की वजह से यदि हम आयरन वाली डाइट अगर ले रहे हैं तो भी हो सकता है वो शरीर में एब्जॉर्ब ना हो रहा हो। डीवॉर्मिंग टैबलेट्स आती हैं, यदि अगर आयरन की कमी किसी को है, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ज़रूर जांच पड़ताल डॉक्टर से टाइम टू टाइम हर इंसान को करवाते रहना चाहिए, जिससे कि जो शरीर में जो असर है जो कि हम देख कर पहचान सकते हैं वो सबसे आखिरी में पता चलते हैं। यदि खून में कोई चीज़ की अगर हमारी कमी हो रही है तो वो सबसे पहले अगर हम सही समय पर जांच पड़ताल करवा लें तो उस बारे में हम जान सकते हैं। विटामिन B12 है जो कि डाइट में होना ज़रूरी है, उसके बिना भी आयरन एब्जॉर्प्शन में काफ़ी दिक्कत आती है। विटामिन C हम ले सकते हैं जिससे कि आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। प्रोटीन बिल्कुल सही अमाउंट में होना चाहिए। किसी भी एक न्यूट्रिएंट को हम एम्फेसाइज नहीं कर सकते कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि एक की कमी होगी तो दूसरे पे असर पड़ता है। विटामिन D है जो कि रूटीन में शायद लोगों को इतनी ज़रूरत उसकी महसूस नहीं होती कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेनली कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रोल करने पे हर किसी का ध्यान रहता है, प्रोटीन का आजकल थोड़ा बहुत लोगों में पता, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हुई है तो लोग ध्यान रखने लगे हैं। पर विटामिन D की कमी की वजह से हो सकता है कि शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब ना हो, प्रोटीन ढंग से एब्जॉर्ब ना हो, तो ये दिक्कतें भी रह सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और स्प्राउट्स की बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, जो अंकुरित चीज़ें खा सकते हैं वो हर एज का इंसान जो है वो खा सकता है। जैसे कि आप कह रहे थे कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हर उम्र में हम खा सकें, जी हाँ, अंकुरित किए हुए जो सीरियल्स हैं हमारे, जैसे अनाज अगर हम अंकुरित करके खाते हैं तो हम हर उम्र में खा सकते हैं, छोटे से लेकर बड़ी उम्र तक, क्योंकि वो आसानी से चबाए भी जा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत बुढ़ापे में भी नहीं आती जो ना खाए जा सकें। हम उसमें फल डाल सकते हैं और सब्जियाँ डाल सकते हैं, अगर ढंग से मिश्रण बनाकर उसका खाया जाए तो वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तन्वी ने बात की थी विटामिन D और B12 की जी। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें विटामिन B12 की बड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन से बहुत मिल जाता है, तो कई बार ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं होता। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि विटामिन B12 किस में चीज़ में है। जैसे हमारे ही प्रदेश के जो साउथ इंडिया का जो खाना है जो हम फर्मेंट करके बनाते हैं, इडली डोसा वगैरह, उसके अंदर विटामिन B12 आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा खा सकते हैं। और विटामिन D जैसे है वो तो सनलाइट से ही हमें बहुत मिल जाता है, परंतु आजकल लोग बाहर धूप में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते और हिंदुस्तान का टेम्परेचर इस तरह से रहता है, कई बार बहुत गर्मी है। तो B12 D भी आप सनलाइट से ले सकते हैं, नहीं तो टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखा के आप उसके सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये मानसिक रोगों से भी बहुत जुड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरुणा जी, यहाँ पे एक चीज़ अभी आपने बताया कि खाने में वैरायटी चेंज कर सकते हैं, बच्चों की, बड़ों की भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल देखने में आ रहा है, जैसे तन्वी जी ने बताया कि हमारी जो बहनें हैं वो कामकाज के लिए बाहर निकलने लगी हैं, तो वो किस प्रकार का ध्यान रखें अपना खाना रूटीन का बनाते हुए, जिनके पास समय का अभाव है, बहुत ज़्यादा समय वो रसोई में नहीं लगा सकती, कि उनके घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनकी सेहत भी ठीक रहे और कम समय में वो खाना पौष्टिक तौर पर तैयार कर सकें। रश्मि देखिए, जिस तरह के बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं तो मुझे लगता है किचन मैनेजमेंट के भी कोर्सेज हैं। हमें सिर्फ मैनेजमेंट आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आजकल अगर आप बाहर जाने लगे हैं काम करने के लिए तो बहुत सारी मशीन्स भी आ गई हैं जो हमारे काम को बहुत फास्ट करती हैं, हम जल्दी जल्दी सारा काम कर सकते हैं। ज़रूरत है मैनेजमेंट की और हमें ये जानने की कि हमें क्या क्या बनाना है, उसके अंदर हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आप अपना मेन्यू प्लान कीजिए एक हफ्ते का, उसको किचन में चार्ट के रूप में लगा लीजिए और देखिए कि आज मैं क्या रेसिपी बना रही हूँ। एक दिन राजमा है, कढ़ी है, अगले दिन हरी सब्जी है, इसके साथ दही है, रोज़ दही है, रात को दाल ज़रूरी है। इस तरह से आप मेन्यू को प्लान कीजिए। तो रात को ही अपने तैयार करके रख दीजिए रॉ मटेरियल, जो भी पहले प्री प्रिपरेशंस करनी है, सुबह उठ के एक घंटा लगेगा एंड देन यू कैन गो टू ऑफिस ऑल्सो, अपना काम कर सकती हैं। तो ज़रूरत सिर्फ ध्यान देने की है, काम सभी हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। और फ्यूजन फूड तो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं जिससे कि न्यूट्रिशन भी पूरा मिल जाता है और स्वाद भी मिलता है। बिल्कुल, बहुत सही जी। एक दाल मखाने हैं जो कि हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जो लेडीज़ जॉब पर जा रही हैं वो पैक करके लेके जा सकती हैं। कुछ इस टाइप के लाइट से स्नैक्स हैं, नट्स हैं, हम बच्चों को दे सकते हैं, टिफ़िन में साथ में दिए जा सकते हैं,
लेडीज़ ऑफिस में लेकर जा सकती हैं, जिससे क्या है कि नॉर्मली क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी के लिए लोग चाय या कॉफ़ी ज़रूर बहुत पीते हैं, तो उसके साथ कुछ और प्रोसेस्ड फूड हम कैंटीन्स में या शॉप से ना खरीद कर अगर साथ में सही चीज़ अगर हम लेकर जाएँ तो हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो तन्वी, एक सवाल और चलते चलते मेरा आपसे कि अगर हमारे खाने में पौष्टिकता नहीं रहती लंबे समय तक, तो हमारी सेहत को उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है, हम क्या बीमार हो सकते हैं जी? और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो पौष्टिक खाने के अभाव में हो सकती हैं? यदि हम पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं तो बहुत पौष्टिक खाना खाने से हम बीमारियों से बच भी सकते हैं और ना खाने से हम बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। कुपोषण सबसे बड़ी दिक्कत है जो आज के टाइम में छोटी एज में भी और बड़ी एज में भी बच्चों को है। हो सकता है उम्र के हिसाब से बच्चों की हाइट ना बढ़े, वेट कम होने का है। और कुपोषण ज़रूरी नहीं है कि कम आहार की वजह से है। आज के टाइम में जो ओबेसिटी और ओवरवेट की जो दिक्कत आ रही है वो ज़्यादा खाने की वजह से और गलत खानों की सिलेक्शन की वजह से भी आ रही है। तो ज़रूरी है कि सही उम्र से हम बच्चों को सही जो सही अगर चीज़ बच्चा खा रहा है उसके फ़ायदे बताएँ। गलत चीज़ अगर प्रोसेस्ड फूड्स हैं या जंक फूड अगर बच्चा सेलेक्ट कर रहा है तो उसके नुकसान उसको साथ के साथ बताएं, ताकि बड़े होने तक वो चीज़ें उसके उसको याद रहें या उसको उसका रीज़न समझ आए। कुपोषण जहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो काम करने की कैपेसिटी इंसान की कम हो जाती है, स्टेमिना कम है, फिज़िकल मेंटल दोनों डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमारी अफेक्ट होती हैं यदि अगर हम सही डाइट नहीं लेते हैं तो। बाकी घुटनों में और जो ये दर्द की दिक्कत एक बड़ी उम्र में आने के बाद अक्सर आ जाती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहता है कि सही उम्र से सही खाना हम नहीं खाते हैं। तो और हर बीमारी में यह है कि खाने का ध्यान रखना तो बहुत आवश्यक है। तो चलते चलते तरुणा जी, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी संदेश स्वरूप? मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगी, एक तो आहार के विषय में हम सबको जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम बीमारियों का शिकार ना हो। दूसरा, अगर हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, महिलाएं हैं, अगर काम पे जाती हैं तो बड़ी जो महिलाएं जो घर पे हैं वो उनके सपोर्ट में आ सकती हैं, यानी खाना बनाने का काम या उनको मदद करने का काम वो कर सकती हैं। और आजकल तो रश्मि ऐसे बहुत सारे किचन स्टार्ट हो चुके हैं जो कि घरेलू महिलाओं ने शुरू किए हैं, जिन्हें आहार के बारे में पता है और जो वर्किंग वुमेन है उनकी इस तरह से हेल्प हो जाती है कि वो वहाँ से अच्छा खाना खरीद सकती हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप क्या खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और जो प्रोसेस्ड फूड आप खरीदते हैं उनका लेबल ज़रूर चेक कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर चेक कीजिए, FSSAI का लेबल उस पर है या नहीं है। इन चीज़ों के बारे में आप बहुत ध्यान रखिए। और बच्चों को जंक फूड देते हुए उन्हें एकदम से मना मत कीजिए, क्योंकि इससे वो और ज़्यादा ज़िद करते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, आहार के बारे में समझाने की कोशिश कीजिए, और अपने घर पे हो सके तो खाने को अलग अलग ढंग से बनाकर उन्हें दीजिए। इससे उनके स्वास्थ्य और सेहत दोनों का ध्यान रहेगा, और इसी तरह बुज़ुर्गों को भी आप दे सकते हैं। तो तरुणा जी और तन्वी, आज आप आए और आपने पौष्टिक आहार के बारे में इतनी गहन जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि।